को यूज़ किया करते हो, उस फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ए बी सी डी अपन ने पढ़ी है ना, बस ए बी सी डी लगा दो, वो फॉर्म सबसे ज़्यादा वही फॉर्म यूज़ होता है। तो आइए उस फॉर्म की बात करते हैं। पावर फोर के लिए देखिए क्या वाला फॉर्म बनेगा, वो पावर फॉर्म के लिए ए बी सी डी वाला फॉर्म, क्योंकि मतलब क्या है, मतलब है अपन को तो कोफिशियंट चाहिए और कोफिशियंट का नाम हमारी मर्जी, हम क्या दें, हम ए जीरो दें, ए वन दें, ए टू दें, ए बी सी डी दें, वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना। तो इसके नाम आप बी सी डी दो, आप ए बी सी डी दे दो। तो ये बनेगा ए एक्स की पावर फोर बी एक्स का क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये सबसे ज़्यादा फॉर्म ये वाला इस्तेमाल करोगे आप, सबसे ज़्यादा यही फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये सिंपल है, ए एक्स की पावर फोर बी एक्स का क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। ये एन इक्वल टू फोर का हो गया। अब जरा एन इक्वल टू थ्री का देखो, एन इक्वल टू थ्री का पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर क्या होगी, थ्री, फिर हाईएस्ट पावर टू, फिर इसके बाद वन, और फिर क्या, कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट। तो आप लिख दो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस कितना डी। दिस इज वॉट, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितने टर्म है, चार, एक दो तीन चार टर्म है, तो ये क्यूबिक, डिग्री क्यूबिक है, डिग्री के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से चार टर्म का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, टेट्रानोमियल। क्या कहलाता है, टेट्रानोमियल। ऊपर वाला देखो, एक दो तीन चार पाँच, डिग्री फोर है, मतलब डिग्री के हिसाब से कैसा है, फोर पावर का, फोर डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक। तो डिग्री के हिसाब से ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसा पॉलिनोमियल है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब ये पेंटानोमियल है, पाँच टर्म का पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड पेंटानोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म पाँच है बट डिग्री फोर है। अब देखो डिग्री थ्री है अपने पास, डिग्री थ्री है, तो डिग्री थ्री का जो पॉलिनोमियल है, डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल है ये अपने पास, ये हो गया। अब डिग्री टू का पॉलिनोमियल बता रहा हूँ आपको, डिग्री टू का, एन इक्वल्स टू टू का पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाइएस्ट पावर टू एग्जिस्ट कर रही है, फिर वन एग्जिस्ट कर रही है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितने टर्म्स हो गए इसमें, तीन टर्म्स। डिग्री कितनी है, टू है डिग्री, तो कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री टू का पॉलिनोमियल। देन एन इक्वल्स टू वन का पॉलिनोमियल ले लो, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर वन एग्जिस्ट करेगी और कॉन्स्टेंट टर्म एग्जिस्ट करेगा, तो ए लगा दो यहाँ और बी लगा दो यहाँ, तो सबसे ज्यादा आपको जो लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई देगा वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में दिखाई देगा। ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर वन, बी डिग्री जीरो टर्म का कॉन्स्टेंट है, लास्ट कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ए, क्योंकि एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब एक्स की पावर जीरो है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। तो ये सारे हमारे हो गए जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल के, जनरल स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिकॉल करूंगा कि अगर आपके पास डिग्री फोर है तो अधिकतम पांच टर्म हो सकते हैं, अधिकतर पेंटानोमियल हो सकता है। डिग्री थ्री है तो इसमें मैक्सिमम चार टर्म हो सकते हैं, डिग्री टू है तो मैक्सिमम तीन टर्म, डिग्री वन है तो मैक्सिमम टू टर्म्स। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से अलग अलग वेरी किया करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल की डिग्री पर चर्चा। पॉलिनोमियल के टाइप हमने दो तरीके के कवर कर लिए, कौन कौन से टाइप कवर किए, एक टाइप कवर किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। हमारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो बेसिस ऑफ डिग्री वाला है, कि मतलब डिग्री के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के नाम क्या हुआ करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको टर्म काउंट करना होगा और बस लिख देना, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो टेट्रानोमियल, पांच टर्म है तो पेंटानोमियल। और डिग्री के बेसिस पे क्या नाम आया, अगर डिग्री एन इक्वल टू जीरो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री एन इक्वल टू वन तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री एन इक्वल टू थ्री तो, डिग्री एन इक्वल टू थ्री तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री एन इक्वल टू फोर तो कैसा पॉलिनोमियल आपके पास, एन इक्वल टू फोर के लिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए ये हो गई है बातें पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन की। अब आते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं, अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया n प्लस वन। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो मैक्सिमम कितने टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, आंसर 3 प्लस वन मतलब कि 4 टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे ये टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं।
चलिए तो हमारे पास कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, हम उसको डिग्री 3 का पॉलिनोमियल ले सकते हैं। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हमने ले लिया, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में है, px equals to, क्या लोगे? आदत तो ये डल चुकी है मेरे ख्याल से, ax cube plus bx square plus cx plus d, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। अब ये डिग्री 3 का है, मैक्सिमम इसमें चार टर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्यों? x cube तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ये वाला टर्म तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, तो मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा। इसकी कंडीशन है कि महोदय ए आपकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, नहीं तो आप क्यूबिक बचोगे नहीं, एक्स की पावर 3 आपके साथ चिपका हुआ है, तो ए कभी जीरो नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल कैसा दिख रहा है, ये डिग्री 3 है बट कितने टर्म है, चार टर्म, 1 2 3 4। अब देखना डिग्री 3 ही रहेगी, आप टर्म कम करते जाओ, तो डिग्री 3 रहेगी बट टर्म कम होते जाएंगे। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बी जीरो हो गया, अगर ये बी जीरो हो गया तो क्या हाल होंगे इसके, अगर b जीरो हो गया तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगा px equals to ax cube plus bx, अच्छा इसको तो जीरो कर दिया तो इसको गायब कर दो, तो बचेगा cx plus d। तो बच्चों देखो डिग्री कितनी है, अभी भी 3 है बट पॉलिनोमियल कैसा होगा, ट्राइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया 1 2 3। अगर आप इसको भी जीरो कर दो, इसको भी आपने जीरो कर दिया, सी को भी जीरो कर दिया, तो क्या बचा अपने पास, ए एक्स क्यूब प्लस डी, ठीक है ना, ए एक्स क्यूब प्लस डी। देन नेक्स्ट पी एक्स इक्वल्स टू डी को भी जीरो कर दो तो क्या बचेगा, ए एक्स क्यूब। तो देखो डिग्री 3 है, टर्म 4 भी हो सकते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म 2 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म 3 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म 4 भी हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है, 3 डिग्री का, अभी 3 का लिया ना, मैक्सिमम यदि आपके पास 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है तो उसमें मैक्सिमम 4 टर्म हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, किसी हालत में 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, हाँ 4 से कम कितने हो सकते हैं, बहुत सारे, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, मतलब 1 तक, 1 तक, मतलब किसी भी डिग्री का मोनोमियल एग्जिस्ट करता है, किसी भी डिग्री का मोनोमियल एग्जिस्ट करता है, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, बट किसी भी डिग्री का उस डिग्री से ज़्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल, एक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, किसी भी डिग्री के कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम कितने टर्म एग्जिस्ट करेंगे, उतनी डिग्री प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक 70 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाओ, 70 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसमें 75 टर्म्स हो, कितने टर्म्स, 75, नो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर डिग्री 70 है तो मैक्सिमम कितने टर्म्स जाएंगे, 71, 70 डिग्री है तो टर्म्स कितने जाएंगे, 71 जाएंगे ना, एक कांस्टेंट टर्म आता है लास्ट की वजह से, उसकी वजह से भाई टर्म कितने हो जाते हैं एक ज़्यादा हो जाते हैं, तो 71 टर्म्स जाएंगे, 75 तो नहीं जा सकते, 70 डिग्री के 90 टर्म्स तो नहीं जा सकते, तो मतलब जितने डिग्री है उससे एक ज़्यादा का टर्म्स, उतने नंबर ऑफ टर्म्स, एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते हो। डिग्री 3 है तो आप 4 टर्म्स जनरेट कर सकते हो, 4 टर्म का पॉलिनोमियल बना सकते हो। डिग्री 5 है तो 6 टर्म्स का बना सकते हो। आप कहो डिग्री 5 में मैं 10 टर्म का पॉलिनोमियल बना दूँ, नहीं बना पाओगे, क्योंकि पावर कहाँ से कम होगी, 5 से फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 हो गई, ये 5 हो गए और एक लास्ट वाली 0 जिसकी वजह से 6 हो गए। बट आपके पास डिग्री 100 है तो 1 टर्म से लेकर के 100 टर्म तक कहीं का भी आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। आपसे बोला डिग्री 100 है और आप मोनोमियल बनाओ एक टर्म का, डिग्री 100 है और मोनोमियल बनाओ, तो बहुत सिंपल है, देखते हैं बुक में एग्जांपल भी है कि 100 डिग्री का एक मोनोमियल बना के दिखाइए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 100 है तो सबसे पहले एक्स की पावर 100 कर लो, गारंटी हो गई है। अब इसका अपन को क्या बनाना है, मोनोमियल, तो इसके सामने कोई भी कांस्टेंट आप लगा दो, आदत बना रखी क्या, a100 लगा दो, नहीं तो a1 लगाना तो a लगा दो, अगर आपको कैपिटल ही लगाना तो कैपिटल लगा दो, सारे आंसर आपके सही है, क्योंकि इसका मतलब केवल कोफिशियंट है, अपन ने डिग्री सही कर दी। अब डिग्री 100 का आपको बाइनोमियल बनाना है, तो लियो बाइनोमियल बना लो, तो px equals to x की पावर 100 तो रहेगा ही, प्लस x की पावर जो मर्जी आए ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो,
90 ले लो, 99 ले लो, 99 ले लो, बट 101 मत ले लेना क्योंकि डिग्री 100 है, तो 100 से ज्यादा नहीं आएगा। और यहां पे कोई कोफिशिएंट लगा दो, तो इसका नाम ले लो ए और इसका नाम ले लो बी, जो मर्जी आए, मतलब आप डिग्री, किसी भी डिग्री का मोनोमियल बना सकते हैं, किसी भी डिग्री का बाइनोमियल बना सकते हैं, कम डिग्री के टर्म्स आप बना सकते हो अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री एग्जिस्ट करती है तो। अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप लोअर डिग्री के टर्म को लिखने का आपके पास राइट है, बट लोअर डिग्री है तो हायर डिग्री लिखने का आपके पास राइट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिग्री है 25, तो आप 26 डिग्री के टर्म्स नहीं लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलीनोमियल का क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बेसिस ऑफ टर्म्स हमने क्लासिफाई किया, बेसिस ऑफ डिग्री हमने क्लासिफाई किया, बेसिस ऑफ टर्म्स उनके नाम क्या होते हैं ये जाने, बेसिस ऑफ डिग्री उनके नाम क्या होते हैं हम ये जाने, और अगर कोई किसी पॉलीनोमियल की डिग्री n है तो उसमें n प्लस वन टर्म एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट ए पॉइंट। किसी पॉलीनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर, तो किसी पॉइंट पर पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालना। भाई देखो, यहाँ पर आप कोई भी पॉलीनोमियल लिख रहे थे तो कोई ना कोई वेरिएबल पे पॉलीनोमियल लिख रहे थे, किसी ना किसी वेरिएबल पे आप पॉलीनोमियल लिख रहे थे, आइदर वो एक्स का वेरिएबल ले लो या वाई का वेरिएबल ले लो। जब आप वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होते हैं, जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन ने हमें कहा कि उस वेरिएबल की वैल्यू आप 2 डालो तो हमें 2 डालना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बोला 3 डालो तो 3 डालना पड़ेगा, क्वेश्चन ने बोला 5 डालो तो 5 डालना पड़ेगा, मतलब जो क्वेश्चन वैल्यू बोलेगा वो वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। तो आइए हम वैल्यू डाल करके देखते हैं, वैल्यू डालने पर जो आंसर आएगा वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट दैट पॉइंट, वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट दैट पॉइंट। आइए एग्जांपल देखते हैं, एक आपके पास पॉलीनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस 7x + 2, ये एक पॉलीनोमियल है। कैसा पॉलीनोमियल है भाई, जैसे आपसे पूछा जाए कैसा पॉलीनोमियल है तो आपके मन में दो सवाल आने चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताऊं या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बताऊं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टर्म्स कहोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कहोगे, तो ये इसमें ट्राइनोमियल है क्योंकि तीन टर्म्स है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कहोगे तो ये क्या कहोगे, ये कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या, ये ट्राइनोमियल है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, क्वेश्चन कहेगा वैल्यू निकालो, अब क्वेश्चन क्या कहेगा, कैसे कहेगा कि वैल्यू निकालो, क्वेश्चन कहेगा एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालो। ओके, एक्स इक्वल टू 1 पर, या क्वेश्चन डायरेक्टली लिख सकता है कि ये निकालो, ये क्या है वो देखो, क्वेश्चन कह सकता है P1 निकालो, P2 निकालो, P3 निकालो, P4 निकालो, बच्चों ये है P4, मतलब आपको इन चीजों पर वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। आपको P1 निकालना है, मतलब साफ साफ x के प्लेस पे 1 पुट करना, तभी तो P1 आएगा, P2 मतलब x के प्लेस पे 2, P3 मतलब x के प्लेस पे 3, P4 मतलब x के प्लेस पे 4। तो चलो P1 फाइंड करते हैं, P(1) मतलब x के प्लेस पे 1, ये देखो x की जगह पे 1 रखा ना, तभी तो P1 बचा, जब इधर 1 रखा तो इधर भी 1 रखो, तो 3 × 1² प्लस 7 × 1 प्लस 2, आंसर 3 + 7 + 2, 3 + 7 = 10, 10 + 2 = 12, दिस इज फर्स्ट केस। सो पॉलीनोमियल की वैल्यू 1 पर कितनी हो गई, 12 हो गई। नेक्स्ट सेकंड, P2 3 × 2² प्लस 7 × 2 प्लस 2, सो दिस विल बी 3 × 4 प्लस 7 × 2, 3 × 2² तो 4 हो गया, 7 × 2 कितना हुआ 14 प्लस 2, सो दिस इज 12 प्लस 14 प्लस 2, तो अगेन दिस इज 12 प्लस 2 12, दिस इज 28। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट पॉइंट 2, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट 2 इज 28, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट 1 इक्वल्स टू 12। ओके, आपको बोला गया नेक्स्ट पॉलीनोमियल, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉलीनोमियल ऑफ वेरिएबल t, कोई भी वेरिएबल का हो सकता है, शुरुआत में पढ़ा
वेरिएबल टी का पॉलिनोमियल है 3t² + 5. नाउ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट टी इक्वल्स टू 1, सो योर आंसर विल बी 3 × 1² + 5. दिस इज 3 + 5, आंसर इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट पी एट 2, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है आपको 0 पर. ओके, 0 पर. सो योर वैल्यू 3 × 0² + 5. 3 × 0² तो क्या होता है 0 + 5, योर आंसर इज 5. सो योर वैल्यू आर हियर, आपकी ये वैल्यूज दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, और ये कहलाती हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट. तो पॉइंट क्वेश्चन देगा और उन पॉइंट्स पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है. एक बात और जो थोड़ी सी अलग है वो आपको मैं लास्ट में बता देता हूँ. आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. ये बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है. एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो. एक्स इक्वल टू 2 पर निकालनी है तो एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दो. क्वेश्चन ये हो सकता है लिख के भी दे दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा लिख के दे दे एट एक्स इक्वल्स टू 1. इसका मतलब x की जगह 1 पुट करना है. x इक्वल टू 5 बोल दे, मतलब x की जगह पे 5 पुट करना है. तो क्वेश्चन कुछ भी लिख करके दे सकता है, वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के पता कर लेना. अब एक बात जो रह गई है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो एनालाइज करिए, बताइए. चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आगे की बात कर रहे हैं, तो वो बात ये है कि कोई जीरो पॉलिनोमियल है. अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो, अभी आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे ही एक पॉलिनोमियल होता है जीरो पॉलिनोमियल. तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो होती है वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल. चलिए आइए देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और जीरो पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या हो सकते हैं, देखते हैं. तो जीरो पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल व्होज वैल्यू इज जीरो, व्होज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. ये एक बिल्कुल अजीब टाइप का पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा अलग है, इसको आप थोड़ा सा अलग करके पढ़ना, तो दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. आओ देखो, देखते हैं इसको. एक पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रहा हूं पी एक्स इक्वल टू जीरो. कोई ना कोई तो वेरिएबल का होगा, किसी ना किसी वेरिएबल का तो होगा, ये कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल. अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, कोई डिग्री डिफाइन नहीं है जीरो पॉलिनोमियल की. क्यों नहीं है डिफाइन डिग्री? क्योंकि जीरो के साथ किसी का भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही डिग्री बन जाएगी. जीरो पॉलिनोमियल के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही डिग्री बन जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है. देखो एग्जांपल, जीरो अगर आप लिखो कि 0 × x^50 तो भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी. आप लिखो कि 0 × x^60 तो भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी. 0 × x^50,000 तो भी वैल्यू इसकी जीरो आएगी. बट आपके पास पॉलिनोमियल कैसा दिया रहेगा, एक्स की पी एक्स इक्वल टू जीरो. तो जीरो को देख के आप पता नहीं लगा सकते हो कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई रहा होगा. एक्स की पावर 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 10 रहा होगा, 50,000 रहा होगा, 200,000 रहा होगा, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है. इसलिए दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा जीरो हुआ करती है और इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड. ओके, सो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. ओके, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, बट इट इज ऑलवेज मोनोमियल. देखो, दिस इज ए टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट. एक टाइप है ना, जीरो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. ये मोनोमियल है, आप इसको कुछ आगे नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जीरो है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो दिस इज ए टाइप ऑफ मोनोमियल एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्स की कितनी पावर रही होगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुई होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, जीरो. तो यू आर नॉट श्योर दैट विच पावर ऑफ एक्स इज देयर. सो इसकी पावर, इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड. तो लिख लो, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. मैंने एक बच्चे से एक बार पूछा क्लास में कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो बच्चे ने बोला जीरो. मतलब जीरो पॉलिनोमियल में एक्स की पावर जीरो होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है. आपके पास एक्स की पावर जीरो होगा तो ये वन आएगा, चलो ठीक है. तो जीरो इंटू वन जीरो होता है,
और मैं कहता हूं 0 into x की पावर 50 रख दो, अब x की जगह आप कुछ भी रखोगे तो आंसर तो तब भी 0 आएगा ना, तो ये कुछ कुल करा के क्या करेगा, 0 ही प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यहां पर डिग्री कुछ भी हो सकती है। सो दिस स्पेशल वैरायटी ऑफ पॉलीनोमियल इज कॉल्ड 0 पॉलीनोमियल। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ लिया 0 पॉलीनोमियल पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, किसी पॉलीनोमियल की वैल्यूज पढ़ ली है निकालना। एक्सरसाइज 1 आप कर लीजिए अपने एनसीईआरटी बुक की, क्योंकि उसमें आपको वैल्यूज पॉलीनोमियल की निकालना बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लेक्चर्स में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, मेरे व्यूज बढ़ाइए और मेरे लेक्चर्स आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन तक भी मेरे लेक्चर्स पहुंचें। और बेल आइकॉन प्रेस कर ही लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे फ़ायदा थोड़ा बहुत मिलता रहे। और आप सभी के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, सभी का दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।